तो पिछले कुछ दिनों से बागी तेवर दिखा रहे G6 से जुड़े कांग्रेस विधायकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद सुर जो है नरम पड़ गए हैं। चलिए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं विधायक, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। डायलॉग था बस, गया था सीएम साहब ने पकड़ रखा था आपको, हाथ देखा फोटो में पीछे से पकड़ रखा है, हाथ डाल के कहीं भागने का? नहीं नहीं, सीएम साहब ने तो प्रेम से पकड़ा है, कोई वैसे नहीं पकड़ा है। आप कह रहे थे पिछली बाड़ेबंदी का इनाम इस बार मिला, तो इस बार क्या इनाम की उम्मीद करेंगे? अब देखो आगे क्या होता है, जो न्यायालय करता है, जो ये न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कानून का सम्मान करती है, न्यायालय पर भरोसा है। आप लोगों ने भी बहुत चलाया, उसके इतने फ्रैक्चर हो गए, उसके इतने हो गए, कोई 22 गिरा देता, 6 फ्रैक्चर है उसके 22 कर देते, तो वो न्यायालय ने न्याय किया। आगे भी उम्मीद है कि न्यायालय पूरा सही करता न्याय। डीजीपी को लेकर बहुत सारी नाराजगी आपकी? अब डीजीपी की यार आप मेरे से पूछ रहे थे, आप कुछ करते तो है नहीं, आप उस डीजीपी से कौन पूछते है कि उसने एक गोपाल कुशवाहा था, उसका फर्जी एनकाउंटर करके ना इसने प्रमोशन ली है इसे डीजीपी ने। आपने कभी उनसे पूछा है? 1996 में उसके घर से पकड़ के ना ही लेके ना ही आए ये, और उसको जहर खिलाई के ना ही, और फिर दूसरी जगह ले जाके ना एनकाउंटर किया, कभी आपने उनसे पूछी है क्या जाएगा? नहीं, कि सिर्फ मेरे से ही पूछते हैं। मैंने तो सीएम साहब से कह दी, आपका भी एक दायित्व बनता है, आप जिम्मेदार हैं, मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है, चौथा स्तंभ है आपका, कि आप लोग किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को न्याय दिलाए। मैं एक उदयपुर का एक लड़का था भिंडर का, उसका मर्डर हुआ था धौलपुर में 1996 में, और एक सिपाही उसमें गवाही था राम निवास करके ना ही, उसने जाकर ना एसपी साहब को बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे जसवंत ने एक मर्डर किया है 1996 में और इस जगह पर मर्डर हुआ है। तो जित रिकॉर्ड की चीज है, मैं नौजवानी बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, 1996 में वो पुलिस में सिपाही था, तो उसका तबादला कहाँ कर दिया? अलवर, जो उसको नाम मिल गई, और अलवर से ले जाए के नहीं, फिर वहां पर कर दिया उसको सवाई माधोपुर, ठीक है ना। क्यों मर्डर हुआ था? मर्डर हुआ, उसका 3-4 पत्नी है, उसको लेकर ना एक वो ड्राइवर भगा ले गया। अब जो भी एक मैं आपको रिकॉर्ड की चीज दे रहा हूँ, न्यायालगंज थाने में उसके भाई के 9 दिन उन्होंने बंद करके नहीं रखा, जब JDG साहब थे, उसकी फर्जी FIR करती है कि हमारे 5,000 रुपये लेकर ना शराब के ठेका पर भाग गया, और उसी आदमी को, उसी के भाई को, पर 15 दिन बाद उसको चित्तौड़गढ़ बंद कर देते हैं उसी व्यक्ति को। तो ये सारी रिकॉर्ड की चीजें आप लोग इसको चलाते नहीं है, हमारी चीजों को तो आप हाईलाइट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका लाइव किए थे, अब सीएम साहब नहीं सुन रहे हैं तो हम क्या करते हैं? और जिसका मर्डर हुआ है उसको आप न्याय की बात नहीं करते, इसे डीजीपी ने 2-2 मर्डर कराए हैं, इसकी तो हत्या भक्त कर रही है, कैसे भगवान के यहाँ तो न्याय है, पर आप लोग अगर हम मदद करें तो इस हकीकत में उसको न्याय मिले। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को आप न्याय दिलावें, ये ऐसे भ्रष्ट और चोर बेईमान अधिकारियों को यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे कैसे पीछा छूटे। मैं आपको बताऊँ, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस न्यूज को बहुत अच्छे तरीके से चलावें, आप हमारी खूह चलाते, अच्छाई भी चलाते, आप हमारी बुराई भी चलाते हैं, वो हम पे कोई बात नहीं है, और हम गलत होंगे तो हम सजा भुगतेंगे, और न्यायालय ने हमारे संग पूरा न्याय करा, हमें आगे भी उम्मीद है। पर मैं तो आपसे यही निवेदन करूं, पर ऐसे जो भ्रष्ट और जो निर्दोष लोगों की हत्या करा रहे ऐसे DGP, और आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप एक न्यूज नहीं चला सकते हैं। आप उनको पूछो, आप रिपोर्ट लो, राम निवास सिपाही 1996 धौलपुर से उसका अलवर में तबादला किया गया, ये रिकॉर्ड की चीज है, बिना रिकॉर्ड को तो मैं बोल ही हूँ। सीएम साहब मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, बदल भी सकते हैं, कार्रवाई भी हो सकती है, आप क्यों नहीं इसको आवाज उठा दे? अब हम लोगों ने तो आपके माध्यम से कितनी आवाज उठा रही है। कल मिले थे सीएम साहब से, बोले आप? बोलेंगे, अब भी बोलेंगे, और भी बातें होंगी, अब भी हम बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, सच्चाई की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्याय दिलवाओ, जो निर्दोष लोगों के विचारों की हत्या हुई है, वो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। जी मैंने आपको बताया कि चाहे तो मैं आपको प्रूफ दे दूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, एक एक कागज आपको उपलब्ध करा सकता हूँ कि जिसके भाई को थाने में लाया गया ना 9 दिन बंद किया, क्योंकि या फिर उस केस में फिर आप FIR लगा देते है, आपने रिकॉर्ड में भी लेके ना बेहतर रिकॉर्ड में ले आए और जाके रिकॉर्ड में कर दिया, और फिर जाके आप उसको उदयपुर छोड़ के नहीं आते है। तो रिकॉर्ड की चीज है, चित्तौड़गढ़ में उसके भाई को बंद किया है,
वो पेपर मेरे पास उपलब्ध है। एक व्यक्ति को आप 15 दिन में दो दो जगह जाकर नहीं आप बंद कर रहे हैं चोरी के मामले, और चोरी का पूरा मुकदमा भी नहीं लगा रहे हैं, ये रिकॉर्ड की चीज है। देखो मैं आपको बताऊं कि हम अपनी आवाज रख सकते हैं, अब हटाना और ना हटाना ये तो सीएम साहब के हाथ में, आपके माध्यम से भी हम हर जगह आवाज पहुंचा रहे हैं, तो इसकी जांच कराई आप, इसको डीजी की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, इसको तो जेल की सलाखों के पीछे बैठने का अधिकार है। इसने दो दो मर्डर मैं आपको बता रहा हूं बकाया, और इसने कितने मर्डर कहां कराए होंगे निर्दोष लोगों के वो मुझे पता नहीं है, दो तो मैं आपको प्रूफ के सहित दे रहा हूं, आप चाहें तो मैं आपको एक एक कागज उपलब्ध करा सकता हूं, जब आप कहें जब करा सकता हूं, पर आप कुछ करो तो सही। आप कह रहे थे कांग्रेस के साथ फेरे नहीं ले लिए मैंने, बसपा ने बनाया, बसपा ने आज मैं फिर कह रहा हूं, हमें एहसान फरामोश नहीं है, एहसान मानने वाले लोग हैं, जीवन भर जब तक आखिरी सांस लेगी जब तक मानूंगा, मायावती ने नेता बनाया, मायावती ने की देने आज हमको नेता बनाने वो जहां तक पहुंचे, मायावती जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारा पूरा आज हम उनकी बदौलत है जहाँ पर खड़े हैं, हम गद्दार लोग नहीं है। कई लोगों की वहाँ तबीयत भी खराब हो गई, तो रोटी वहाँ ठीक लगेगा होटल की? अब देखो यार हम तो देसी आदमी गांव के रहने वाले किसान परिवार के लोग, हमको टाटा बिल्ला तो ना रखू, राजा महाराजा घर में जन्म ना ले रखू, राजनेता घर में जन्म ना ले लो, किसान आदमी है, चाह तक खेती करा सकते हैं, ये बात तो सही है। होटल की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती, घर की रोटी अच्छी लगती, पर मजबूरी में सब कुछ खाना पड़ता है। पर आप इसको चलाओ, किसी गरीब व्यक्ति को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको ईमानदारी की कसम कह रहा हूँ कि आप इसका न्याय कराओ, इसकी गोपाल कुशवाहा का एनकाउंटर हुआ है, वो टोटल फर्जी हुआ है, और वो विक्रमपुर काली जो लड़का भिंडर उदयपुर का, उसका पूरा का पूरा मर्डर बेचारे को, उसका भाई का भी एक्सीडेंट हो गया, मुझे ये लगता है उसके भाई ने कोर्ट में मुकदमा किया, न्याय तो यही करवा सकते हैं, आप करा सकते हैं, आप में बहुत बड़ी ताकत है अगर आप चाहें तो। अरे वो रिटर्न नहीं करता, तो छह हो जा रहे हैं सब।